हेलो एवरीवन, दिस इज प्रवीण कुमार। आई होप यू ऑल गाइस आर डूइंग ग्रेट। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग सीक्वल के लीड कोड के क्वेश्चन देखने वाले हैं, जिस क्वेश्चन का टाइटल है एक्टर्स एंड डायरेक्टर्स हु कोऑपरेटेड एट लीस्ट 3 टाइम्स। मतलब ऐसे डायरेक्टर्स एंड एक्टर्स की नेम लेकर आने जिन्होंने कम से कम 3 बार साथ मिलकर काम किया हुआ है। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास एक टेबल है जिसका नाम है एक्टर डायरेक्टर, जिसके अंदर हमारे पास 3 कॉलम दिए गए हैं, एक्टर आईडी, डायरेक्टर आईडी एंड द टाइम स्टैम्प। तीनों के अंदर जो वैल्यू डली हुई है वो इंटीजर डेटा टाइप के हैं और टाइम स्टैम्प जो है वो प्राइमरी की है, यानी कि इनके अंदर जो वैल्यू है वो यूनिक है और नॉट नल वैल्यूज है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर हमें एक एग्जाम्पल दिए गए हैं। एग्जाम्पल में जैसे आप देखो, इनपुट में दिया गया है एक्टर आई डी, डायरेक्टर आई डी एंड टाइम स्टैम्प, और इनके कॉम्बिनेशन को आप देख सकते हो। जैसे 1 और 1 दोनों ने मिलकर साथ में काम किया, फिर 1 1 1 1 1 एंड 2 ने मिलकर साथ में काम किया, फिर 1 एंड 2, फिर 2 एंड 1। तो ये 1 एंड 2 जो है ये एक्टर आईडी इंडिकेट कर रहा है, डायरेक्टर के लिए 1 और 2 डिफरेंट है। तो हमें पता लगाना है कि कौन से डायरेक्टर कम से कम 3 बार या 3 से ज्यादा बार एक साथ मिलकर काम किए हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन को करने का जो मेरा अप्रोच रहेगा, इसमें हम लोग सबसे पहला जो अप्रोच रखेंगे, हमें सबसे पहले क्या करना होगा, ग्रुप बाय लगाना होगा, और ग्रुप बाय हमें इन दोनों एक्टर आईडी एंड डायरेक्टर आईडी इन दोनों में लगाना होगा। यानी कि यहाँ पर हम लोग ग्रुप बाय एक कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स के साथ लगाने वाले हैं, 2 कॉलम्स में लगाने वाले हैं। ये हमारा पहला स्टेप होना चाहिए। सेकेंड जो हमारा स्टेप होना चाहिए कि जब हम ग्रुपिंग कर रहे हैं, ग्रुपिंग करने के बाद हमें कंडीशन लगाना होगा, और ग्रुप के अंदर अगर आप कंडीशन लगा रहे हो तो आपको हैविंग यूज करना होगा, और आपको हैविंग यूज करके पूरे के पूरे कॉलम का काउंट निकालना होगा। तो काउंट निकालने के लिए हम लोग एग्रीगेट फंक्शन यूज करेंगे, काउंट फंक्शन। तो ये हमारा पहला अप्रोच होगा, इस अप्रोच के साथ हम लोग क्वेश्चन को करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम सेलेक्ट करें, सेलेक्ट सेलेक्ट एक्टर आईडी कॉमा डायरेक्टर आईडी, क्योंकि हमें 2 ही कॉलम रिजल्ट में चाहिए, तो हमने 2 ही कॉलम यहाँ पर सेलेक्ट किया हुआ है, फ्रॉम एक्टर डायरेक्टर। ये हमारा टेबल नेम हो गया, और हम ग्रुप बाय लगा रहे हैं, ग्रुप बाय दोनों के अंदर। तो इसी एक्टर आईडी एंड डायरेक्टर आईडी को मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब ये अगर मैं काम करूंगा, इतना अगर मैं आपको रन करके दिखाऊं, तो मेरे पास जो आउटपुट आएगा वो सिंगल कॉम्बिनेशन के आएंगे, एक्टर एंड डायरेक्टर आईडी दोनों सिंगल कॉम्बिनेशन में होंगे। तो 3 ही कॉम्बिनेशन ही है, या फिर 1 1 या 1 2 या 2 1, इनके अलावा और कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं है। लेकिन हमें इसमें कंडीशन लगाना होगा कि इन दो कौन सा ऐसा है ग्रुप है जो कि मैक्सिमम एटलीस्ट 3 टाइम्स आया हुआ। तो इसके अंदर हम लोग यहाँ पे हैविंग लगाएंगे, हैविंग, और हैविंग के अंदर हमें काउंट फंक्शन लगाना है। तो काउंट और पैरेंथेसिस के अंदर हमें इस एस्ट्रिक सिंबल देना होगा। बेसिकली हम एस्ट्रिक सिंबल इसलिए देते हैं कि हमें सारे के सारे रो का काउंट निकालना है। जो मेरा ग्रुप है उस पूरे ग्रुप का मुझे काउंट निकालना है, क्योंकि काउंट फंक्शन केवल एक पैरामीटर लेता है। अगर आप यहाँ पर एक्टर आईडी कॉमा डायरेक्टर आईडी डालेंगे तो वो लेगा नहीं, आपका सिंटैक्स एरर आने वाला है। तो हमें कॉम्बिनेशन में जब भी आपके रोज को काउंट करना होता है या एग्रीगेट फंक्शंस लगाने होते हैं, तो आप एस्ट्रिक सिंबल यूज किया करिए, ये चीज आपको ध्यान देना है। और यहाँ पर हम ग्रेटर देन इक्वल टू 3 कर देंगे। अब अगर मैं रन करूंगा तो मेरे पास केवल वही ग्रुप मिलेगा एक्टर आईडी एंड डायरेक्टर आईडी का, जिनका जो 3 बार कहीं ना कहीं इस टेबल के अंदर आया हुआ है। तो हमारा ये आउटपुट आ चुका है, आप देख सकते हो, 1 एंड 1। तो ये तरीका है जो हम लोग यूज कर सकते हैं। दूसरा जो तरीका होता है वो होता है सब क्वेरी। अब कई बार क्या होता है कि लोग कहते हैं कि आप डायरेक्टली हैविंग मतलब लगा रहे हो, यहाँ पर हैविंग के साथ में एग्रीगेट फंक्शन लगा रहे हो, लेकिन कई बार ये चीज़ रन नहीं करता है। कुछ लोगों के जो उनका डीबीएमएस होता है उस पर रन नहीं करते हैं। तो उसके लिए हमें काउंट जो एग्रीगेट फंक्शन है वो हमें सेलेक्ट के साथ में ही लगाना होता है। तो सेलेक्ट एस्ट्रिक सिंबल यहाँ पे देना होता है, और एस करके मैं इसका नेम दे देता हूँ सी। तो इसमें क्या हो रहा है, ये इसमें हमारे पास 3 कॉलम्स आ रहे हैं, एक एक्टर आईडी, एक डायरेक्टर आईडी और एक काउंट भी आ रहा है। अगर मैं इसको रन करके दिखाऊं तो देखिए मेरे पास काउंट भी आएगा, ये आप देख सकते हो, काउंट भी आ रहा है 3 टाइम्स। लेकिन अब ये चीज, इसमें से भी हमें केवल 2 ही चीज चाहिए, एक्टर आईडी डायरेक्टर आईडी। तो हम इसको सब क्वेरी के अंदर रख देंगे, ये हमने सब क्वेरी के अंदर रखा, और इसका नाम मैं रख देता हूँ एज ई, और इन्हीं के अंदर से मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ एक्टर आईडी एंड डायरेक्टर अंडरस्कोर आईडी फ्रॉम इस सब क्वेरी के अंदर से। तो अगर मैं इसको रन करूंगा तो इससे भी हमारा रिजल्ट सेम आने वाला है। सो आप देख सकते हो मेरा जो रिजल्ट है इससे भी सेम टू सेम आ रहा है। तो ये सब क्वेरी के कुछ आप कह सकते हो एप्लीकेशंस हैं, जो यूजेस हैं, कि अगर आप 3 कॉलम शो कर रहे हो किसी भी सेलेक्ट स्टेटमेंट से, आप उनमें से कोई एक या दो निकालना चाहते हो तो भी आप सब क्वेरी का यूज कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। सो अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक पर। थैंक यू ऑल ऑफ यू।